हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई ये फोर्थ डे है। हाँ देखो, उन फोर्थ डे में से ना पहला है जो मैंने ये सीन देखा है, मतलब कि पहली बार है जो हम 5 बजे उठे थे। अब मेरे को फ्रेश होके यहाँ के 6 बज चुके हैं। सो क्या ऑसम नज़ारा है यार। हमने सोचा था कि थोड़ा जल्दी उठेंगे और सुबह सुबह ही जो सरगुंडा माता है वहाँ दर्शन करेंगे और जो सनराइज़ हो रहा है अपना वो भी देख लेंगे। बट अब थोड़ा माथा ढीले बंदे है तो भाई आप नज़ारा देखो कितना औसम है यार। सनराइज प्रॉपर हो गया भाई और अब एकदम रोशनी हो गई है। क्या मस्त लग रहा है यार, कितना मस्त व्यू है। आंखें भी ना, मतलब रोशनी में देखा तो रोशनी आंखों में लग रही है, तो जिस वजह से थोड़ा सा दिखना वैसा लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है ना तो सामने। कैसा लग रहा है मनविंदर सनराइज? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ लगता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे लगता है अब तक का हम जब से आया ट्रिप पे और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम इतनी जल्दी उठे हैं। अदरवाइज तो ग्यारह लास्ट बजे टाइम तुम दो बजे सोते थे। सो रहे होते थे। तो गाइस अभी मंगा लिया हमने कॉफ़ी और वो सब रेडी हो रहे हैं। तो फिलहाल इतना हम कॉफ़ी पिएंगे वो रेडी हो जाएंगे। सो करते हैं फिनिश और नज़ारा बहुत अच्छा हो गया। सूरज जो है बादलों में छिप गया है और बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो गाइस फाइनली हो गया सब कुछ, रेडी हो गए सभी के सभी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है माँ सुरकंडा देवी का मंदिर जो है उसका ट्रैक। बंदर है भाई, कहीं भी खोज कर लीजिए। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट ट्रैक। सामने देख रहे हो भाई मंदिर, वो रहा वो देवी का मंदिर है, वहाँ जाना है हमें। नहीं नहीं पैदल चले गए। कितना ले गए? अरे पैदल चलते हैं ना, चलेंगे तो रोक रहे क्यों? चलो फिर। कितना ले गए? अरे ये तो रहा यार। हाँ पैदल चलेंगे। वो दिख रहा, वो देख बुढ़ापे, वो दिख रहा है बुढ़ापे में जाना उससे। चल हमारे। अच्छा सो स्टेज खत्म हो गया, अब इस तरह का रास्ता आएगा आगे। यहाँ रोपवे भी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 20 के बाद स्टार्ट होएगी। तो ये सीधा वो मंदिर तक जाती है। सो भाई यहाँ पे लिखी हुई है सुरकंडा देवी की जो पौराणिक कथा है, माता सती का दे दिया जो किया था उसमें जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के पार्ट किए थे, जो सर था माता का वो इस प्लेस पे जाके गिरा था। तो इसीलिए इस मंदिर को सुरकंडा देवी के नाम से बोला जाता है। बाकी आगे जाके आपको मंदिर जरूर दिखाएंगे। झूठ है झूठ है झूठ है। हाँ जीतू जीतू। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? झूठ
यार तेंदुआ अभी तो आया था, तेंदुआ आया था, अरे वो तो अजय था। थोड़ा क्रॉस कर लिया भाई, वो सामने मंदिर दिख रहा है देखो, तो ज़्यादा दूर नहीं रहा होगा अभी। फिलहाल मेरे ख्याल से चले हो गए हम 700-800 मीटर कुछ चले हुए गए, किलोमीटर तो नहीं हुआ होगा। तो अभी 2 किलोमीटर या 22,000 मीटर, सॉरी 2,200 मीटर के करीब रहता होगा। सामान छोड़ के आओगे तो साले दोबारा से जाऊंगा, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इतना कितना सामान छोड़ दिया हमने, जो चार चक्कर मार दिए आपने। वहां पे तितली वाला बैग था, तितली वाला बैग था। अच्छा, और तितली वाला पार्सल, तितली वाला पार्सल और वो अफ्रीकन जैकेट, नरबेड़िया वाला नहीं था कुछ? वो तो कुछ आगे बात है। सामने देख रहे हो मंदिर, कॉन्टेक्ट से ही होगा तो आज लाइव जाएगा, क्यों है लाइव, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं क्यों है लाइव, क्यों है लाइव, क्वेश्चन एंड आंसर। एक तो अच्छा। इतना खौफ हो गया सालों, क्वालिटी इशू आता है, क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। सो गाइज, अप्रॉक्स 50% हो चुका है और सामने आपको रोप वे दिख रही होगी, ये आखिरी स्टॉप है, वहाँ पर बिल्डिंग भी दिख रही होगी साथ में रोप वे। तो अप्रॉक्स पहुँच ही गए हैं, मानविंदर ऊपर चला गया, बाकी तीन रजत सर, जितेश एंड खुशाग्र नीचे ही है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अभी अप्रॉक्स 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आप सामने देख पा रहे हो, देखो पहाड़ के ऊपर पीछे पहाड़ पहाड़ पहाड़, कितने पहाड़ दिख रहे हैं और सभी जगह ना क्लाउड हो रखा है, बहुत सुंदर नज़ारा है यार। पहुंच गए भाई, थोड़ा सा रहता है बस, सामने देख पा रहे होगे, बस ये थोड़ा सा इतना पोर्शन है, उस वक्त पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं।